आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ जवानों में खूनी संघर्ष सामने आया, एक जवान की गोली लगने से मौत हुई है। गाजियाबाद की ब्रिज विहार की पूरी घटना है। एक स्कूल में तैनात था बीएसएफ के जवान और मामूली बात में आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते गोलियां चल गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो बीएसएफ जवानों में आपसी लड़ाई हुई, खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते एक जवान को भी गोली लगी है। गाजियाबाद के ब्रज विहार की ये पूरी घटना है, जहां पर जो है बीएसएफ जवानों की ड्यूटी थी, तैनात थे, और वहां पर ये मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। ज़रा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कर्णवीर कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्णवीर, यहाँ पर बीएसएफ जवानों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, आखिर क्या हुआ कि इस तरीके से बात इतने बढ़ गई कि खूनी संघर्ष आपस में देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, गाजियाबाद के बिहार स्कूल के इलाके के एक स्कूल में बीएसएफ की एक बटालियन रुकी हुई थी और वो कई दिन से यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज सुबह अचानक जवानों के बीच में तूतू मैना हुई और झगड़ा इतना बड़ा कि आपस में मारपीट हो गई। एक जवान ने दूसरे जवान पर हथियार तान दिया और गोली चला दी, जिससे एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दूसरे आरोप जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच जा रही है, आला अधिकारी मौके पर है और वजह की तलाश रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी। जी कर्णवीर, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे वजह नहीं पता चल पाई है, वजह आखिर क्या है की छानबीन कर रही है, लेकिन किस तरीके से आपसी और मामूली कहा सुनी को लेकर यहाँ पर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया कि गोली चल गई आपस में और इसमें एक जवान घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ पर इलाज जारी है, लेकिन पूरे मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है, जाँच कर रही है।